दोस्तों नमस्कार, दयमन जी के क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में नए जिले और संभाग बनाने की घोषणा की है। तो दोस्तों प्रदेश में 3 नए संभागीय मुख्यालय बनाए जाएंगे। राजस्थान में 3 नए मुख्य संभागीय मुख्यालय बनाए जाएंगे, बांसवाड़ा, पाली और सीकर, 3 संभाग बनाए जाएंगे। राजस्थान में काफ़ी समय से मांग चल रही थी, अंतिम जिला प्रतापगढ़ था, 2008 में बनाया गया था, उसके बाद में कोई नया जिला नहीं बना था। तो दोस्तों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 संभागीय मुख्यालय बनाए हैं और 19 नए जिले बनाने की घोषणा की है। तो 19 जिले हैं, अनूपगढ़ श्रीगंगानगर, बालोतरा बाड़मेर में, ब्यावर अजमेर, डीग भरतपुर, डीडवाना नागौर, दुदू जयपुर से दुदू बनाया जा रहा है, गंगापुर सिटी, सवाईमाधोपुर, और जयपुर से दोस्तों 2 जिले बनाए जा रहे हैं, जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण। जयपुर जो जिला है उसके 2 भाग कर दिए गए हैं, जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण। उसी प्रकार जोधपुर के भी 2 भाग कर दिए गए हैं, जोधपुर पूर्व और जोधपुर पश्चिम। केकड़ी बनाया गया अजमेर, कोटपुतली, बहरोड, जयपुर में खेरतल है, अलवर, नीमका थाना, सीकर, फलोदी, जोधपुर, सलुम्बर, उदयपुर, सांचौर, जालौर और शाहपुरा, भीलवाड़ा। इस प्रकार 19 नए जिले बनाए गए हैं और कुल जिलों की संख्या हो जाएगी राजस्थान में 50 कुछ जिलों की संख्या हो जाएगी। अब ये कैसे हो जाएगी दोस्तों, कि जयपुर जो है और जोधपुर ऑलरेडी एक एक जिले जो है 33 में इनकी संख्या काउंट होती है, और इसके अलावा 2 जिले और बनाए गए हैं, जयपुर उत्तर या दक्षिण मान लो, और जोधपुर पूर्व या पश्चिम। तो इस प्रकार टोटल जिलों की संख्या होगी राजस्थान में 50, और संभाग हो गए 10 संभाग हो गए राजस्थान में, और 50 जिले हो गए हैं अभी राजस्थान में। बाकी जो इनकी गठन की प्रक्रिया है वो बाद में विस्तृत रूप से जारी होगी। तो दोस्तों धन्यवाद, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।